सदन की कार्रवाई के दौरान विपक्ष के कुछ साथियों ने लाइव रिकॉर्डिंग चलाई यहां से। मैं नहीं समझता इससे पहले कभी भी ऐसा कुछ हुआ होगा। उसके अलावा ये लगातार होर्डिंग दिखाते चले आ रहे हैं। आप उस मोबाइल को रखिए अपने पास में, प्रिविलेज में इसको भेजिए कि इन्होंने कैसे ये रिकॉर्डिंग करी, और ये मोबाइल हर हाल में विधानसभा के अंदर जब्त होना चाहिए। एक बार पूरी बात समझ ले जी। ऐसा आज तक नहीं हुआ है, और सीधी सी बात है कि ये जो उन्होंने लाइव करा, संसद को, हमारी विधानसभा को बदनाम करने की पूरी साजिश थी लाइव करना यहाँ पर। आप इनका अभी की अभी वीडियो जो इन्होंने करा है, इनका मोबाइल पूरा का पूरा जब्त कीजिए और उसको देखिए। इन्होंने लाइव चलाया, इन्होंने यहाँ पर वीडियो बनाई है बकायदा, इन्होंने वीडियो बनाई है बकायदा। इनका इनका मोबाइल जब्त किया जाए यहीं पे। ये आज नहीं चलाएंगे, कल चलाएंगे, कह देंगे लीक हो गई। विधानसभा का अपमान है ये। आपने ऐसा किया? अभी क्या इनका मोबाइल जब्त किया जाए? एक मिनट दुर्गेश, दुर्गेश जी आप बहुत ही बैठिए, अनुशासित सदस्य हैं आप, बैठिए एक बार सारे साथियों से। एक मिनट, इनका मोबाइल जब्त किया जाए। अध्यक्ष जी मोबाइल को जब्त किया जाए, मोबाइल के अंदर रिकॉर्डिंग है। दुर्गेश जी मोबाइल के अंदर रिकॉर्डिंग है, मोबाइल को मोबाइल जब्त किया जाए इनका। दो मिनट का समय। इन्होंने बकायदा मोबाइल के अंदर रिकॉर्डिंग करी, लाइव कराया। सत्ता पक्ष के साथी बैठे दो मिनट, बैठिए। दिलीप पांडे जी बैठाइए। अध्यक्ष जी ये बात में डिलीट कर देंगे, डिलीट कर देंगे उसको। मेरा एक सवाल विपक्ष से है, ये डिलीट कर देंगे मोबाइल को किया जाए। विपक्ष के नेता से मेरा एक सवाल है कि क्या अजय महावर जी ने ऐसा किया है? ये रिकॉर्डिंग बैठिए बैठिए। सौरभ जी, राजेश जी, वंदना जी, ये डिलीट कर देंगे। गोयल जी बैठिए, ये डिलीट कर देंगे रिकॉर्डिंग को, मोबाइल जब्त किया जाए। विषय का संज्ञान ही ले रहे हैं, विषय का संज्ञान लिया जा रहा है, ये डिलीट कर देंगे, मोबाइल जब्त किया जाए। विदुरी साहब आप मुझे बताइए क्या अजय महावर जी ने रिकॉर्डिंग करी है? राजेश गुप्ता जी दो मिनट बैठिए, तो बैठिए राजेश गुप्ता जी, वाजपेयी ने भी करी है। राजेश गुप्ता जी दो मिनट बैठिए। विपक्ष के मैं सम्मानित नेता जी आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, विदुरी जी पहले सवाल सुन लीजिए, जवाब की बड़ी आतुरता है, क्या अजय महावर जी ने ऐसा कुछ किया है? लाइव रिकॉर्डिंग की है, रिकॉर्डिंग की आपने? अजय महावर जी ने रिकॉर्डिंग करी है? हाँ बोलिए। देखिए सदन में सब रिकॉर्ड होता है, डिप्टी स्पीकर, सदन में सब रिकॉर्ड होता है, और अगर विपक्ष के साथी, लाइव भी चलता है सदन का सारा कार्य, अगर विपक्ष के साथी अभी झूठ बोलेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एक बार जवाब ले लेने दीजिए। हाँ जी, क्या आपने सदन में रिकॉर्डिंग की? ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर साहिबा, जब श्री पाठक जी विधानसभा के मेंबर बने, जब बने नहीं बने, आज अजय महावर ने रिकॉर्डिंग किया था, इन्होंने भी डायरेक्ट लाइन किया था, ये बताएं कि किया था या नहीं किया था? डायरेक्ट लाइन किया था या नहीं किया था? ये जवाब दे दें, मैं माफी मांग लूंगा, ये जवाब दे दें। अजय महावर ने इन्होंने डायरेक्ट लाइन किया था, आज मेरे पास रिकॉर्ड है, डायरेक्ट लाइन किया था, डायरेक्ट लाइन किया था। अजय महावर जी ने आज रिकॉर्डिंग की है, ये सबके लिए बनेगा ना नियम, ये कोई, मैं ये कहता हूँ, पहली बात तो ये कोई डायरेक्ट लाइव हुआ ही नहीं है, कोई डायरेक्ट लाइव हुआ ही नहीं है, अगर हुआ होगा तो हम सजा भुगतेंगे, कोई डायरेक्ट लाइव हुआ नहीं। आप मुझे सुन लीजिए ना, आप मुझे एक मिनट, मेरा सवाल देखिए विदुरी जी, आप मेरे सवाल नहीं सुन रहे, आप मेरी बात तो सुन लीजिए ना, आप बात को सही विषय को रख नहीं रहे ना, आप विषय समझिए। क्या अजय महावर जी ने, अजय महावर जी ने रिकॉर्डिंग की? आप अपना फोन दिखाएं, अजय महावर जी अपना फोन दिखाएं, बात खत्म हो जाएगी। मेरा ये कहना है, अजय महावर जी ने रिकॉर्डिंग की या नहीं की? अगर यही काम
जो अजय महावर जी ने रिकॉर्डिंग की या नहीं, मैडम सुन तो लीजिए ना, जो आरोप श्री अजय महावर के ऊपर है, अगर इसी तरह के आरोप रूलिंग पार्टी के मेंबर्स पर साबित हो जाते हैं तो आप बराबर की सजा दीजिए। बैठिए दो मिनट, बराबर की दो मिनट बैठिए, बैठिए दो मिनट। देखिए आप विषय को बिल्कुल अलग थलग तरीके से देख रहे हैं। मेरा सवाल तब मैंने किया जब सदन के सदस्यों ने मेरे संज्ञान में कोई बात लाई। अगर आपको लगता है कि पूर्व में ऐसा कुछ हुआ तो आपको उस वक्त संज्ञान में लानी चाहिए थी, लेकिन बात पूर्व की नहीं है, बात आज के वर्तमान समय की है। और उस वर्तमान समय में मेरा आपसे सवाल इतना सा है कि क्या अजय महावर जी ने यहाँ पर फोन में रिकॉर्डिंग की है या नहीं की, सच का बोलिए। और अगर की है तो क्यों ना आज सदन उनके फोन को जब्त करे, क्यों ना सदन सवाल सुन लीजिए। बैठिए दो मिनट बैठिए। विदुर जी देखिए, जब आप बोल रहे थे मैंने नहीं बोला। बैठिए एक बार। और जो आपने ऋतुराज जी अभी सुबह बाहर किया ना, दो मिनट बैठिए ऋतुराज जी। और जब आपने जो सवाल उठाया है सदन की मर्यादा का, और सदन में पक्ष और विपक्ष के साथ एक जैसा रवैया अपनाने का, तो आज जो है पहले इस बात का सदन पटल पर आप जवाब दीजिए कि आप इसको बदतमीजी नहीं, आप ही बताइए उन्होंने रिकॉर्डिंग की या नहीं की। सदन पटल पर आप ये बात रखिए ना, रिकॉर्डिंग करी है या नहीं करी। बिल्कुल होगा, लेकिन जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए ना। जो सवाल पूछा जा रहा है ये गलत है, इसको बंद करिए। विदुरी जी आप इसको बंद कराइए। ये कोई तो आप जवाब तो दीजिए, क्या अजय महावर जी ने रिकॉर्डिंग करी, क्या अजय महावर जी ने रिकॉर्डिंग करी है। आप पहले सवाल का जवाब दीजिए, क्या आपके विपक्ष के साथी ने सदन की मर्यादा को तोड़ते हुए रिकॉर्डिंग की है या नहीं की है। आपने शिकायत की होती। ये गलत है, ये व्यवहार बहुत गलत है। आप सदन चलने देंगे नहीं चलने देंगे? आप पूरे विपक्ष के साथियों को मार्शल आउट पूरे दिन के लिए मार्शल आउट। बैठिए लाकड़ा जी, मार्शल आउट पूरे विपक्ष को। आपने पूरे 40 मिनट सदन का समय खराब किया है, सदन का समय खराब करा। ऐसे नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। ऐसे आप जवाब नहीं देना चाहते। मार्शल आउट उठाइए, 2 मिनट के लिए आप मार्शल आउट। राजेश गुप्ता जी प्रतिवेदन पेश। आप विपक्ष के नेता हैं, अनुशासन बनाना आपकी जिम्मेदारी है।
अनुशासन करना आपकी जिम्मेदारी है। आप पुराने से